हेलो इंजीनियर्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टॉप 16 ऐसी कौन सी मशीन है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। जो आप लोग जरूर देखते होंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन का जब काम चल रहा होता होगा और आप सोचते होंगे कि आखिर ये मशीन कौन सी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को जब भी कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन में मशीन दिखती है तो हम उसे तीन नामों से जानते हैं। पहली या तो ये रोलर है, दूसरी या तो ये ट्रक है और तीसरी या तो ये क्रेन है। लेकिन उनके टेक्निकल नेम्स एज एक सिविल इंजीनियर होने के बाद भी हमें नहीं पता होते। तो चलिए आज समझते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन की कुछ टॉप मशीन्स। तो सबसे पहले आज जो हम मशीन समझने वाले हैं वो है डोजर। डोजर जो है इसका काम आप इसके रंग रूप को देखकर समझ सकते हो। इसका काम है जो भी मटेरियल है उसे या तो फैला देना या तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसे ले जाना, जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, थोड़ा सा हेवी है ना, तो भारी चीज़ों को भी हिला देता है। चलिए समझते हैं कि डोजर इज अ सेल्फ कंटेन्ड ट्रैक्टर पावर्ड यूनिट विद ब्लेड अटैच टू द मशीन इन फ्रंट। जो मैंने आप लोगों को हिंदी में समझाया कि भैया ये जो है ये आगे जो है मटेरियल को अपने ब्लेड से धक्का दे देता है। आगे समझते हैं कि ये कितने अलग अलग वेराइटीज़ में, मतलब अलग अलग मॉडल्स में आता है। अगर आप कार के बारे में समझते हैं तो साइज ऑफ प्रोजेक्ट अगर स्मॉल है इसका तो ये आप लोग जो है 70 हॉर्स पावर वाला तक यूज़ कर सकते हैं। अगर मीडियम प्रोजेक्ट है तो हम लोग 100 हॉर्स पावर तक का यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम लोग 140 हॉर्स पावर तक का डोजर हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इस मशीन की प्राइस क्या है, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि आखिर ये कितने की आती होगी। तो अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ भाई, तो ये 20 लाख से लेकर 1,60,00,000 तक आती है। मतलब कि ये थोड़ी महंगी है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 से सीधा 1,60,00,000 तक कैसे। तो ये आप लोग देख रहे हो ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग एसेसरीज ऐड होती है, एसी आता होगा, कोई नॉन एसी आता होगा, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो चलिए अगला समझते हैं, अगली मशीन है हमारी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, जिसको हम लोग क्रेन बोल देते हैं। क्रेन नहीं है ये, ठीक है, ये या तो इसे लोग जेसीबी बोल देते हैं, तो ये जेसीबी भी नहीं है। इसका नाम है हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर का काम क्या होता है? खोदना। ठीक है, एक्सकेवेटर का काम क्या होता है? खोदना। तो ये भी वही काम करते हैं भाई साहब। अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये पूरे 360 डिग्री तक स्विंग हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, है ना, ये पूरा ऐसे स्विंग हो जाता है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकता है अपने चेन की वजह से, और ये कितना भी स्विंग हो सकता है। तो जो बाकी आप लोग इक्विपमेंट्स देखते होंगे उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। अब इसके एप्लीकेशंस समझ लेते हैं। साइट क्लियरेंस, जो भी हमारा इनिशियल टाइम होता है उस पर, उसके बाद मटेरियल को हैंडलिंग करना, कोरिंग करना, लिफ्टिंग एप्लीकेशंस, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को उठाना भी होता है, तो ये भी वो काम कर लेता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट्स, एम्बैकमेंट जब हम लोग बनाते हैं, एम्बैकमेंट मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसमें हर एक लेयर के बारे में मैंने समझाया है, तो वहाँ से जाके आप एम्बैकमेंट ज़रूर समझिए। उसके बाद कटिंग एंड फिलिंग, जो भी मटेरियल को कट करना है, फिल करना है, उसमें भी ये बहुत अहम रोल निभाता है। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, अगर कहीं पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई ऐसी जगह पर जहां एक्सकवेशन चल रहा है और वहां पर पत्थर आ गया है बड़ा सा, तो ये हाइड्रोलिक होने के वजह से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये बड़े बड़े स्टोन्स भी तोड़ लेता है। तो यार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर है और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इन्हेंस करना है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है, हाईवे कंस्ट्रक्शन सीखना ही है, और उसी के साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल सीखनी है, सर्वेइंग की डिटेल सीखनी है, तो सिविल गुरुजी की 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके नजदीकी शहर में हो रही है। आपको क्या करना है? एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए क्या करना है? कॉल करना है 9111001234 पर। हिंदुस्तान में हमारी पूरी 21 ब्रांचेस है, आपके शहर के करीब कौन सी ब्रांच है आप वहां से ट्रेनिंग जाकर कर सकते हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स के बाद डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। घर तोड़ने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो वायरल से, जिसमें ये भाई साहब ने भी काम किया है और जेसीबी भाई साहब भी काम करते हैं, ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि अगला पॉइंट ये है कि सर इसका भी प्राइस बता दो। तो प्राइस जो है इसका लगभग 65 लाख से लेकर 1,10,00,000 तक ये भी जाता है, और इससे भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने एक नॉर्मल रेंज बताई है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं है ना, जैसे ऑन रोड प्राइस ऐड नहीं है, टैक्सेस ऐड नहीं होंगे, है ना, एसेसरीज ऐड नहीं होगी, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा और महंगा हो जाता है। तो मैं जो ये बता रहा हूँ आप लोगों को प्राइस, इसके ऊपर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटा मोटा प्राइस है, ठीक है, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगला समझते हैं, अगला पॉइंट है हमारा मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर ये हाईवे कंस्ट्रक्शन में
सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इक्विपमेंट होता है वो मशीन होती है। किसके बाद? रोलर के बाद। रोलर को तो सब जानते हैं, तो रोलर के बाद ये ग्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मटेरियल को एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उस मटेरियल को फैला सकता है। जो डोजर था वो सिर्फ मटेरियल को आगे ले जा सकता था, लेकिन उसको स्विंग होते हुए, उसकी लेंथ को, उसकी हाइट को मेंटेन करते हुए वो काम ये नहीं कर पाता था। लेकिन ग्रेडर साहब वो काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड लगा हुआ है ये एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मशीन हो जाती है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऐसी मशीन है जो एक एडजस्टेबल ब्लेड है, जिसके अंदर जो फ्रंट और रियर एक्सेल्स के बीच में होता है, जो कट कर सकता है, जो मूव कर सकता है, जो स्प्रेड कर सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपके दिमाग में फिर से आ रहा होगा कि सर प्राइस बताओ, प्राइस बताओ। तो प्राइस जो है इसकी भाई साहब की ये कुछ है 75 लाख के आसपास आता है इसका 173 हॉर्स पावर। और इसी के साथ साथ इसमें भी बहुत सारी प्राइसेस के अलग अलग है ना, इसमें एक जो मूवेबल है वो अलग आता है, तो बहुत सारी प्राइसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला इक्विपमेंट समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी खुदाई देखना हर किसी को पसंद है। तो ये है जेसीबी। क्या है ये? जेसीबी। लेकिन इसका असली नाम क्या हो सकता है ना? तो मैं आप लोग बताऊँ इसका असली नाम है, पहले तो ये जेसीबी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका नाम जेसीबी नहीं है, इसका नाम है बैकहो लोडर। ठीक है, इसका नाम क्या है? बैकहो लोडर। इसके स्पेसिफिकेशन जैसा आप लोग जानते हो कि ये यहाँ से उठा सकता है मटेरियल, यहाँ से ये मटेरियल आगे भी ले जा सकता है और मटेरियल लिफ्ट करके टिप्पर में डाल भी सकता है। तो जो लेबर लोग काम करते हैं घंटों दिनों में, वो ये कुछ मिनट में कर लेता है, तो यही इसकी जो है सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है। आगे इसकी कुछ आप लोग की कैपेसिटी समझते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी है, बैकहो लोडर इज़ यूजुअली अबाउट 1 to 1.2 cubic meter, while the backhoe bucket capacity is about to 0.18 से लेके 0.3 cubic meter तक के। मतलब कि ये जो इसके सामने वाला डाला है, हिंदी में इसे डाला कहते हैं हमारे यहाँ, जो इसका जो डाला है वो है 1 cubic meter से लेके 1.2 cubic meter तक का, और उसके बाद ये जो पीछे वाला है ये है 0.18 cubic meter से लेके 0.3 cubic meter तक का। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर अगर ये जेसीबी नहीं है तो इसको जेसीबी आखिर बोलते क्यों है? तो चलिए समझते, उससे पहले इसकी प्राइस देख लेते। प्राइस तो इसकी प्राइस जो है ये लगभग 20 लाख से चालू होकर 63 लाख, मतलब 63 लाख तक आता है। लेकिन सेम चीज़, प्राइस चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये एक मोटा मोटा है। अगर आप लोगों को ख़रीदना हो तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, जैसा चाहे वैसा आप लोग काम कर सकते हैं। आगे समझते हैं एक कहानी कि इसका नाम आखिर जेसीबी क्यों है। तो ये एक कंपनी है जिसका ये एक बैकहो लोडर मशीन है, और इस कंपनी का नाम है जेसीबी। और जेसीबी नाम क्यों है इस कंपनी का? इन भाई साहब की वजह से। ये जो भाई साहब है, इनका नाम था जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड, अगर मैं प्रोनंसिएशन सही कर रहा हूं तो, इनका नाम था जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड, जेसीबी। तो इन्होंने अपने नाम से कंपनी बनाई थी, ये फाउंडर है जोसेफ भाई जो है, फाउंडर है, और इनका नाम है जेसीबी। यहां भी आप देख सकते हो, फोटो भी खिंचाई इन्होंने अच्छे से, है ना। तो ये इतना फेमस हुई ये कंपनी इस पर्टिकुलर मशीन से कि लोगों ने इसका नाम ही जेसीबी रख दिया। लेकिन ये मशीन का नाम जेसीबी नहीं है। क्या है मशीन का नाम? बैकहो लोडर। आगे चलते हैं और अगला इक्विपमेंट समझते हैं। ये इक्विपमेंट आप लोगों ने रोड के ऊपर, जो रोड बन भी चुका है वहां पर भी देखा होगा। इसका नाम है बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर। अब यह है सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप, मतलब कि खुद से ये स्प्रे कर दे रहा है, इसमें किसी भी तरह का और मैन्युअली काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो बिटुमिन है उसको स्प्रे करता है। जब भी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चिपकानी होती है तो पहले ये घूमेगा। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है टैक कोट हो सकता है या प्राइम कोट हो सकता है। ठीक है, टैक कोट अगर चिपकाना हो उसके लिए प्राइम कोट का, जो अगर आप लोगों को यूजेस समझने हैं टैग कोट, प्राइम कोट और सील कोट, तो इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत बड़ा डिटेल वीडियो बनाया है यूट्यूब पर ही, वो आप लोग जाके सर्च करके देख सकते हैं। अब इसकी डिटेल समझते हैं कि ये बिटुमिन बाइंडर को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। दूसरा काम, ये एक पर्टिकुलर डिटरमाइंड रेट के ऊपर स्प्रे करता है, मतलब कि इतने स्क्वायर मीटर पर इतना ही मटेरियल, इतना ही केजी का मटेरियल स्प्रे होना चाहिए, इतना ही लीटर स्प्रे होना चाहिए, वो ये उस हिसाब से स्प्रे करता है हाइड्रोलिक की मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल को वेस्ट होने से रोकता है। आगे समझते हैं कि हीटेड इंसुलेटेड बिटुमिन का इसका स्टोरेज टैंक कितना है, 5000 से लेकर 20000 लीटर तक, ये जो इसका टैंक है
इसका 5000 से 20000 लीटर तक आता है। अगर आप एक नॉर्मल वाटर टैंकर भी देखो तो छोटा भी आता है बड़ा भी आता है ना, तो जो बड़ा टैंकर होता है वो 20000 लीटर की उसकी कैपेसिटी होती है। तो सेम ये वही चीज़ है। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे हीटेड लिखा है तो इसका हीटिंग टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, तो इसका हीटिंग टेम्परेचर पता चल सकता है क्योंकि इसके अंदर एक डायल टाइप थर्मामीटर अलग से फिट होता है जो इसका टेम्परेचर बताता है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उस मटेरियल का, क्यों, क्योंकि गर्मा गर्म ही टैग कोट काम करता है, ठीक है, थंडर टैग कोट काम नहीं करता, जम जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसकी भी प्राइस बता दो, तो इसकी प्राइस थोड़ी कम है, ये मात्र 10 लाख का आ जाता है, लेकिन इसमें भी एक अलग चीज़ है। 10 लाख का सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये टैंकर की प्राइस तो कुछ और ही होगी, जैसा आप लोग जानते हो अलग से नॉर्मल जो प्राइस चलती है वो प्राइस। तो चलिए अगला इक्विपमेंट समझते हैं। अगला इक्विपमेंट है ये, इस इक्विपमेंट को भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर आगे आगे चलता है ये पीछे पीछे चलता होता है ना। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेवर फिनिशर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये पेवर फिनिशर है, इसमें मटेरियल अपलोड होता है और उसके बाद ये पेविंग करते हुए हमारे रोड को आगे बढ़ता है, तो इसे कहा जाता है पेवर फिनिशर। इसमें भी दो टाइप के आते हैं, है ना, एक फुल्ली मैकेनाइज्ड आता है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनाइज्ड, और एक आता है सेमी मैकेनाइज्ड, ठीक है। जिस सेमी मैकेनाइज्ड होता है उसमें आप लोगों को जो थिकनेस है उसे खुद से मेंटेन करते हुए आगे चलनी पड़ती है, अलग अलग थिकनेस नहीं हो पाती है उसमें, लेकिन जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनाइज्ड होता है उसमें सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती है। आगे समझते हैं इसके बारे में, स्पेसिफिकेशन ऑफ पेवर मशीन यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिंग पेविंग विड्थ जो है वो व्हील्ड पेवर की, वो ये आप लोग देख रहे हो, व्हील्ड पेवर मतलब कि ये देखो ये चेन वाला है, ठीक है। दो टाइप होते हैं, एक होता है व्हील्ड पेवर और दूसरा होता है ट्रैक चेन पेवर। तो जो बेसिक पेविंग विड्थ होती है व्हील्ड पेवर की वो होती है 2.5 से 3 मीटर की, और इसकी भी होती है लगभग 2.5 से 3 मीटर की। हाइड्रोलिक एक्सटेंडेबल विड्थ जो होती है वो 6 मीटर तक होती है, मतलब बढ़ सकती है 6 मीटर तक बढ़ सकती है, किसमें, व्हील्ड में, और ट्रैक चेन में भी 6 मीटर बढ़ सकती है। मैक्स पेविंग विथ विद बोल्ट एक्सटेंशन, अगर बोल्ट लगा के एक्सटेंशन करना हो, मतलब इसमें ये बढ़ तो सकता है 6 मीटर तक, लेकिन अगर इसमें बोल्ट लगा के अलग से एक्सटेंशन लगा के बड़ा करना हो तो इसमें 8 मीटर तक बढ़ेगी, लेकिन चेन 100 में 16 मीटर तक बढ़ सकती है, ठीक है। पेविंग थिकनेस कितनी कर सकता है व्हील्ड पेवर, 10 mm से लेके 300 mm तक, लेकिन ट्रैक चेन पेवर कितनी कर सकता है 10 से 500 mm तक। उसके बाद लेइंग कैपेसिटी आप देख रहे हो, ये जो यूनिट है ये है 10 per hour। उसके बाद पेविंग स्पीड आप देख रही हो 45 meter per minute और ये 24 meter per minute। उसके बाद ट्रैवल स्पीड देख रहे हो, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जिसमें चक्के लगे होंगे वो तेज़ होगा, जिसमें चेन लगी होगी वो स्लो होगा, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में भाई साहब जो है ये 4.5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसके भी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस है लगभग 46 lakhs, ये वाला टिप्पर छोड़ के, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं, अरे सबकी आन सबकी शान भाईजान टाइप गाड़ी है ये, एकदम रोलर हर चीज़ को चिपका देने वाली। तो ये जो रोलर है इसका नाम ही है रोलर, हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग रोलर आते हैं। एक रोलर होता है कुछ इस तरीके का, जिसे बोला जाता है पैड फुट रोलर, टैंपिंग रोलर, और उसी के साथ इसका और एक नाम है शिप फुट रोलर, ठीक है। उसके बाद एक और रोलर होता है जिसका नाम होता है प्न्योमेटिक टायर्ड रोलर, देख रहे हो आप लोग, प्न्योमेटिक टायर्ड रोलर। और उसके बाद एक और रोलर होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक रोलर में क्या फर्क है, देखो यहां भी ड्रम है, यहां भी है, यहां भी ड्रम है और यहां भी ड्रम है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक रोलर। अगला समझते हैं, अगला रोलर का नाम है वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर जो होता है इसका ये जो ड्रम होता है ये वाइब्रेट होता है, सिर्फ यही वाइब्रेट होता है। तो पीछे के टायर आप देख सकते हो नॉर्मल है, और वाइब्रेटरी रोलर में और स्टैटिक रोलर में आगे भी ड्रम पीछे भी ड्रम, ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने सारे रोलर है तो इनकी अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है, वो भी समझ लेते हैं। WMM की लेयर के मैं काम करवा रहे हो तो स्टैटिक रोलर 8 से 10 टन का लगाना पड़ेगा फॉर लेयर थिकनेस ऑफ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मोर देन और 100 mm के बराबर हो तो। उसके बाद लेयर थिकनेस अगर 100 mm से 200 mm हो तो भैया स्टैटिक रोलर से काम नहीं चलेगा, वाइब्रेटरी रोलर लगेगा मिनिमम एक स्टैटिक वेट के साथ जो कि है 8 से 10 टन का सेम। उसके बाद बिटुमिनस लेयर यूज कर रहे हो BM, HDBC, DBM, BC, अगर अलग अलग लेयर के बारे में नहीं पता है तो सेम चीज वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। इनिशियल और ब्रेकडाउन रोलिंग के लिए स्टैटिक रोलर का यूज करना है, इंटरमीडिएट रोलिंग के लिए स्टैटिक का या फिर वाइब्रेटरी रोलर का या फिर प्न्योमेटिक रोलर का या फिर कॉम्बिनेशन में भी काम कर सकते हो, कॉम्बिनेशन रोलर भी आता है, ठीक है। अगला समझते हैं, अगर फिनिशिंग रोलिंग करनी है तो भैया टैंडम रोलर का ही यूज करना है 6 से 8
टन का। अगला समझते हैं, एम्बैकमेंट पे अगर काम कर रहे हो तो आंख बंद करके आप लोगों को यूज करना है स्टैटिक रोलर, वाइब्रेटरी रोलर या प्नोमेट्रिक रोलर, या सबसे अच्छा जो होता है एम्बैकमेंट के कॉम्पैक्शन के लिए सबसे बढ़िया होता है शिफ्ट फुट रोलर, पैड फुट रोलर, जो हम लोगों ने देखा था किसके लिए, फॉर क्ले एंड स्लिटी सॉइल, जो ज्यादातर मिल जाती है हिंदुस्तान में। ठीक है, ड्राई लीन कॉन्क्रीट के लिए वाइब्रेटरी रोलर ही यूज करना है, वाइब्रेटरी रोलर ही यूज करना है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि जो पहला रन होगा ना उस पे प्लेन रोलर चलाना, उसके बाद वाइब्रेटरी रोलर यूज कर लेना। मेंटेनेंस वर्क अगर करवा रहे हो या शोल्डर या पॉट होल्स का, तो स्टैटिक रोलर, हैंड रोलर, प्लेट कॉम्प्रैक्टर, रैमर, ये सब आप लोग यूज कर सकते हो। भैया स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा हट भी जाता हूं मैं, ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला इक्विपमेंट समझते हैं, जो कि है क्या है ये बताओ, कॉन्क्रीट मिक्सर। इसका नाम है ट्रांजिट मिक्सर। ठीक है, ट्रांजिट मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर जो है इसके अंदर कंक्रीट लाया जाता है आरएमसी प्लांट से, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से। इसके स्पेसिफिकेशन देख लो, कैपेसिटी देख लो, 2-10 क्यूबिक मीटर तक की है। ड्रम की स्पीड दी हुई है, वाटर टैंक की कैपेसिटी दी हुई है, ड्रम का एंगल दिया हुआ है और फिलिंग रेशियो भी दिया हुआ है। सारी चीजें डिटेल में है, आप लोगों को बस ये समझना है कि ये ट्रांजिट मिक्सर भाई साहब है जिसकी क्या है कैपेसिटी कितनी है, 2-10 क्यूबिक मीटर तक की। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आरएमसी पर आप काम कर रहे हो तो कभी भी 100% ट्रांजिट मिक्सर को फिल नहीं करते, थोड़ा सा गैप छोड़ देनी चाहिए, थोड़ा सा टॉलरेंस छोड़ देना चाहिए, वरना अगर वो ऐसे हाइट के ऊपर जाएगा तो मटेरियल, समझ रहे हो ना, तो कभी भी कैपेसिटी तक नहीं भरना है, 100% नहीं भरना है, थोड़ा छोड़ देना। अगला चलते हैं, अगली मशीन है कॉन्क्रीट स्लिप फॉर्म पेवर। ये जो है ये पीक्यूसी को कास्ट करती है, पीक्यूसी मतलब पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट की लेयर को कास्ट करती है। इसमें भी सेम दो तरीके के आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स फुल्ली मैकेनाइज्ड मशीन, एक आता है सेमी मैकेनाइज्ड मशीन। जो फुल्ली मैकेनाइज्ड मशीन होती है इसी के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, उसके निडल वाइब्रेटर्स लगे हुए होते हैं अटैच, और जो सेमी मैकेनाइज्ड मशीन होती है उसमें वाइब्रेटर्स अटैच नहीं होते। ठीक है, पेविंग विड्थ कितनी है, 2-16 meters तक ये पेव कर सकता है। पेविंग की थिकनेस कितनी है, 0.4-0.5 तक आराम से थिकनेस पे ये काम कर सकता है। उसके बाद DBI, डायमीटर रेंज एंड लेंथ कितना है, 20-40 mm तक, और इसमें 500-600 mm तक भी है। TBI, डायमीटर रेंज और लेंथ रेंज भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये मशीन जो है, हमें जो समझना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि ये PQC को कास्ट करती है और उसी को वहां पर निडल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट भी कर देती है। अगला समझते हैं हम लोग, अगली मशीन है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेवर मशीन के बाद जो अगली मशीन लगी होती है वो ये होती है। इसी का काम होता है कि जो आप लोग रोड के ऊपर लाइंस देखते हो ना, वो ये काम करती है। उसके बाद इसके ऊपर क्यूरिंग कंपाउंड डालने का भी यही काम करती है। ठीक है, अगली मशीन जो कि एक मूवेबल मशीन नहीं है, अभी तक हमने जितनी भी मशीन देखे सारी मूवेबल मशीन थी, लेकिन अब ये मूवेबल मशीन नहीं है, ये एक जगह होती है। ये है कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट, जिसे आरएमसी प्लांट भी बोला जाता है। यहां पर कंक्रीट बनाया जाता है, यहां पर तीन मटेरियल को मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है। कौन सा तीन मटेरियल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगला प्लांट की शक्ल देख लीजिए, यह है बिटुमिन हॉट मिक्स प्लांट। कंक्रीट आता है आरएमसी प्लांट से और बिटुमिन आता है हॉट मिक्स प्लांट से, और एक और प्लांट होता है जिसे बोला जाता है कशर प्लांट। कशर प्लांट मतलब कि जो मेटल्स आते हैं, एग्रीगेट्स आते हैं आपकी साइट पर, वो आते हैं हमारे कशर प्लांट से। ठीक है, तो क्रशर प्लांट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हॉट मिक्स प्लांट के बारे में पता होना चाहिए और आरएमसी प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये एडिशनल चीज आप लोगों को बताई, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दोनों जगह यूज होती है। तो ये था हाईवे कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा पार्ट जिसमें हमने इक्विपमेंट समझे। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जानना था, उसका एस्टिमेशन जानना था, तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि सिविल गुरुजी की 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके ही नजदीकी शहर में हो रही है, जो हर बार स्टार्ट होती है 1 तारीख से। लेकिन याद रखना कि जो सीट्स है वो लिमिटेड है, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते। तो आप लोग अभी एनरोल हो सकते हैं कॉल करके 9111001234 पर। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जाने से पहले मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।